एक्स्ट्रा उस लड़की ने जो किया वो बेहद गलत है। सिर्फ 198 रुपए का बिल था, 198 रुपए का बिल था सिर्फ, और वो अपने आप को मोहतरमा सेलिब्रिटी कहती हैं। अब आप सोचो कि एक सेलिब्रिटी 198 रुपए का बिल नहीं भर सकती, और एक डिलीवरी बॉय जो पूरे महीने में मुश्किल से 10,000 रुपए कमाता होगा, सोचो गलती किसकी है और किसकी नहीं। आप 198 रुपए में अपने आप को सेलिब्रिटी बोल के 198 रुपए के लिए बहसबाजी कर रहे हो, 198 रुपए के लिए खाना फ्री में मांग रहे हो। अगर बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर लेट आया, सपोज मान लेते लेट आया तो आप उसको भेज दो ना, आप कैंसिल कर दो। आप फूड पैकेट क्यों रख रहे हो, आप खाना क्यों खा रहे हो, आप ये क्यों बोल रहे हो मेरे को फ्री में दो, क्या चल रहा है? मतलब थोड़ी बहुत तो शर्म इंसान को खुद ही को आ जाती है। और वो कितनी देर लेट था, मुश्किल से 15 मिनट। क्या हो गया मुश्किल से 15 मिनट? आपको मैं बेंगलोर की सिचुएशन बताता हूँ। बेंगलोर में ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है सड़कों पे। मोहतरमा थोड़ा बाहर निकलिए, आपको समझ आएगा आप क्या कर रहे हो। थोड़ा बाहर निकलो, तुमसे बाहर निकला नहीं जाता तभी तो तुम खाना ऑर्डर कर रहे हो, ये भी तो सोचो। तुमसे बाहर निकला नहीं जाता, तुम्हें लगता है कौन बाहर जाएगा, कौन बनाएगा या कौन बाहर जाएगा, तभी तो तुम खाना ऑर्डर कर रहे हो। वो तुम्हारे घर पे आके खाना देके जाए, वो तुम्हारी मदद करे, और तुमसे 15 मिनट लेट नसीब नहीं है, मतलब तुमसे 15 मिनट लेट बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उस गरीब के मतलब 198 रुपए का बिल, यार क्या होता है 198 रुपीज का बिल, वो खा गए तुम। उसकी नौकरी चली गई वो अलग, वो सड़कों पे है वो अलग, एक फैमिली पालता है वो अलग, आपका तो पता नहीं आगे पीछे कोई है या नहीं है, उसकी तो फैमिली होगी। और बड़े अफसोस की बात है कि इंसानियत इस कदर गिर गई है कि इंसान एक पब्लिसिटी पाने के लिए और फ्री का खाना खाने के लिए, वो बेचारा दिन रात मेहनत करता है खाना खाने के लिए, दिन रात सुबह से शाम तक डिलीवरी करता रहता है। बड़े अफसोस की बात है।